भाई कुत्ते ने कुछ देख लिया है भाई, यहाँ से था शायद बियर था शायद, या तो लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि ये इसको स्मेल आती है ना उसकी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर वीडियो। तो आज हो रही है ये एक और कैंपिंग वीडियो। आज लोकेशन बहुत बढ़िया है और यहाँ पे हमारे साथ आज वही डॉग है जो कि जर्मन शेफर्ड की तरह दिखता है लेकिन है नहीं, असल में शायद ये बकर वाली है। तो अभी आ गए फिर से हम एक और नई सी लोकेशन पे, और आज मेरे साथ फैज़ान भाई भी जुड़ चुके हैं। फैसल भाई, हाँ तो फैसल भाई भी जुड़ चुके हैं। तो अभी हमारा जो कुत्ता है आज यहाँ पे, आज पहले हालत ही हमारी खराब हो गई सीरियसली, कुत्ता बहुत टाइम से भौंक रहा है। तो इसने पता नहीं क्या देखा था, हमने भी वहाँ पे चमकती हुई आंखें दो देखी, तो हमें भी लगा कुछ लेपर्ड होगा। देखो भाई, जंगल में तो ये लेपर्ड वेपर्ड आम है। आधे तो कमेंट ये करते हैं कि भाई आपको रोज ये लेपर्ड बियर क्यों आता है। भाई ये जंगल है भाई, यहाँ पे आता है हर रोज, तो कभी कुत्ते आते हैं, कभी लेपर्ड, बहुत बहुत जानवर आते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आज बहुत बड़े दिनों के बाद हम कैंपिंग पे आए और हमारे साथ ये डॉग है पिछला वाला। तो अभी पता नहीं क्या देखा इसने, तो ये भौंकने लगा बहुत ज़्यादा, तो हम फिर वहाँ पे गए देखने के लिए। तो रिस्क तो होता है भाई जंगल में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और अपनी जान पे खेल के मतलब हम ये सब कुछ करते हैं भाई, वीडियो एक बनाने के लिए, तो यहाँ पे जान भी जा सकती है, अल्लाह ना करे। तो अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना, और एक एक लाइक कर देना यार आज इस वीडियो पे। और आज हमारे साथ यहाँ पे दो दो टेंट है और आग भी जल रही है मस्त यहाँ पे, तो डॉग भी साथ है, तो अगर इसको मतलब कोई स्मेल आती है तो इसको मतलब पता चल जाता है पहले ही, और हम उसके बाद ना चौकन्ने हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला काम हम करते हैं ये कि हम अभी चाय वाय बनाते हैं। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, चाय वाय बनाते हैं और मज़े करेंगे भाई आज भी, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आज की रात जो है अच्छी गुजरेगी हमारी। और अभी जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। तो अभी मिलते हैं भाई। गाइज अभी हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं और आज हम अलग अलग खाना पकाएंगे,
ये पकाएगा जी मीट और मैं पकाऊंगा पूरा चिकन तंदूरी। तो शाम की चाय ये बनाएगा और सुबह की चाय मैं बनाऊंगा भाई, तो मज़ा आएगा। पूरा पानी डालना ठीक है, हवा मत है। हवा ऐसे मैं ट्रक की साइड से तो दोस्तों यहाँ पे मतलब एक गाड़ी चल रही थी, यहाँ पे शायद जिप्सी थी। देखो भाई जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चढ़ सकती ना भाई, वहाँ पे एक गाड़ी चल रही है। तो हमारी हालत हो गई थी टाइट और वो पता नहीं ऊपर चढ़ी है, तो यार डर लगता है कसम से। तो भाई अभी शाम की चाय बनाई है जी फैसल भाई ने, अभी टेस्ट करके बताते हैं भाई। बढ़िया चाय आज बनी है कसम से। देखो देखो कुत्ता क्या कर रहा है भाई खाने के लिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो अभी इसको भी दे दिया हमने फिलहाल। अभी थार भाई, ये थार थी भाई, किसी गाड़ी में इतना दम नहीं भाई जो यहाँ तक चढ़ सके, मुझे पता है ना। जिस वाले पीक पे अभी हम है ना, ये बहुत मतलब खतरनाक पीक है, यहाँ पे गाड़ी चढ़ना भाई बहुत मुश्किल है। तो पता नहीं क्या जिप्सी थी, आर्मी थी या कुछ थी वहाँ से, अब यहाँ पे नहीं आने चाहिए भाई। तो दोस्तों अभी लाइट हम लगा के रखते हैं क्योंकि यहाँ पे पता नहीं आर्मी थी या कुछ था, तो यहाँ पे सेफ्टी है नहीं भाई। तो अपना स्टार्ट करते हैं भाई आज का प्रोसेस। टॉमी टॉमी टॉमी, तो भाई साहब आज बनाने वाले हैं जी हम चिकन, जो कि मैं मार के आया हूँ भाई। देखो ये देखो गाइस, ऐसे ही मैंने जल्द में मार दिया इसको। ये चाकू जो है बहुत तेज है लेकिन है छोटा, तो कुत्ते को डालते हैं ये सब वेस्ट जितना भी है। ये कुत्ता पता नहीं कब से भूखा है भाई। तो फिलहाल पहले इसको साफ करते हैं भाई और उसके बाद मिलते हैं ठीक है। तो दोस्तों अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे हम छेद कर देंगे। अभी इसमें डालते हैं जी तेल। मसाला इससे मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो एक चम्मच ये जाएगा और हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही क्योंकि फिर मुश्क रहता है इसके अंदर, और नमक और मिर्च। ये आज मैंने नया ही लाया ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ये भी ऐड करेंगे इसके अंदर। आह क्या स्मेल आ रही है भाई, इतना काफी होगा। तो अभी इसको मिक्स करते हैं भाई। तो भाई साहब अभी हमने चिकन लाया है भाई, इसके ऊपर ऐसे ऐसे पेस्ट लगाएंगे इसका। अब इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देते हैं इसके अंदर, और इसके ऊपर हम रख देंगे भाई कुछ लिफाफा। तो दोस्तों अभी चिकन जो है मैरिनेट हो गया है, एक घंटे के लिए मैंने रख दिया था ये मैरिनेट के लिए, और अभी हमें निकालना है जी वहाँ से कोयले। जी यहाँ से ना कोयले निकालते हैं अपने,
पता नहीं कुत्ते को क्या दिख रहा है भाई, बार बार ओहो भाई ये बार बार यार भौंक रहा है, कुछ ना कुछ है भाई। हाँ हमारा जो टॉमी है ना इसको कुछ ना कुछ दिख रहा है भाई वहाँ से, हम भी थोड़े बहुत अलर्ट हो रहे हैं, हम भी डर रहे हैं ना ऊपर से और क्या। ओ भाई साहब कितना गर्म है, ओह ओह इसके ऊपर ये रख देंगे भाई प्लेट, ओह ये रख देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर चिकन रख देंगे फिर। सो फाइनली गाइज अभी यहाँ पे अपना चिकन जो है तैयार हो रहा है, अभी करते हैं इसको मैरिनेट यहाँ पे और सॉरी ये पकाते हैं यहाँ पे और उसके बाद मिलते हैं। तो अभी टेस्ट करते हैं ये वाला भाई, ये अभी टेस्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार भाई, देखो देते हैं भाई, देखो कुत्ता क्या कर रहा है। सो फाइनली गाइज अभी खाना पीना भी हो गया और अभी हम एक घंटे से अभी आग सेक रहे थे वहाँ पे और अभी हम फैसल भाई और मैं एक ही टेंट में सोएंगे और हमारा डॉग जो है वहाँ पे बैठा हुआ है, तो अभी भाई सो जाते और कल सुबह मिलते हैं भाई। और वीडियो में बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आज। तो क्या करते हैं भाई अभी सो जाते हैं क्योंकि लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है भाई। अभी सोते हैं और यहाँ लाइट आप देख सकते हैं कि फैसल भाई ने बहुत बढ़िया लाई है, ये मेरी फेवरेट है, इससे जो मेरी लाइट है वो इसी थोड़ी बड़ी है। और अभी क्या करते हैं भाई, मैंने ये वाली नाइट मोड के लिए लाई है, तो अभी नाइट मोड लगाते और सो जाते हैं भाई। ठीक है तो सो जाते हैं भाई। तो अभी आ गई है भाई नई एक सुबह और ये आप मेरे पीछे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ कितनी सारी है भाई और ठंड इतनी है यहाँ पे, देखो हालत क्या है हाथों की लकड़ी लाते लाते भाई, इतनी ठंड है ना भाई रात भर नींद नहीं आई ठंड की वजह से। और यहाँ पे कुछ और बंदे कैंपिंग के लिए आए थे 10-15 बंदे वहाँ से, तो हम कल डर गए थे कि ये जीप कौन सी आ गई, असल में वो जीप नहीं थी वो थॉर एक थी, तो उसमें बंदे थे तो वही थे वहाँ पे। और ये आप मेरे पीछे पीछे वादी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है। और अभी मुँह धोते हैं और उसके बाद मिलते हैं, चाय वाय बनाएंगे। ठीक है बने रहो। दोस्तों अभी मेरे साथ जो दूसरा बंदा है भाई वो अभी सोया हुआ ही है, तो अभी पीता हूँ मैं चाय और जब तक वो उठेगा। ज़बरदस्त गर्म है बहुत। सो फाइनली दोस्तों अभी पैकिंग वैकिंग हो गई है, अभी फैसल भाई का टेंट उठाना है और मेरी पैकिंग जो है पूरी हो गई है, तो अभी करते हैं इस जगह को यहीं पे अलविदा और
लोकेशन पसंद आई हो तो कमेंट करना कि लोकेशन कैसी थी और कहाँ पे थी। मुझे नाम नहीं पता अभी इस जगह का, तो लोकेशन जो है बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ से पता नहीं कोई 5-6 बंदे आए थे भाई कैंपिंग करने के लिए। तो अभी आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट क्यूट से व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। और हाँ, चैनल पे कोई नया आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी निकलते हैं घर की ओर, मिलते हैं अभी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, तो कर देना आज।